हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? हम फिर हाजिर हैं बिग बॉस की एक और लेटेस्ट खबर के साथ। वेल दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, निमरत कौर का बिग बॉस विनर बनने का सपना चंद मिनटों में ही चकनाचूर हो गया। ट्रॉफी के करीब पहुंचकर फिनाले से महज 5 दिन पहले निमरत शो से बाहर हो गयी। टीवी की छोटी सरदारनी को अपनी इस हार से बड़ा झटका लगा है। वो अपने इविक्शन से काफी निराश है, लेकिन बिग बॉस ने इस बार निमरत को फेवर क्यों नहीं किया? कई लोगों के मन में ये बड़ा सवाल है। वेल दोस्तों, आखिर बिग बॉस ने ऐसा क्यों किया? आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, वेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि बिग बॉस से जुड़ी हुई हर अपडेट हम आपको सबसे पहले पहुंचाएं। वेल फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, ये बात सच है कि निमरत टॉप 6 की सबसे कमजोर खिलाड़ी थी। बाकी कंटेस्टेंट के मुकाबले उनका योगदान शो में सबसे कम रहा है। निमरत फिनाले तक अपनी मंडली की वजह से ही पहुंच पाई हैं, लेकिन फिर भी सभी को लगा था कि वो टॉप 5 में रहेंगी, क्योंकि कमजोर खिलाड़ी होने के बावजूद भी उन्हें शो में सबसे ज्यादा फेवर किया गया है। वेल फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, निमरत गेम में शुरू से ही मंडली और बिग बॉस से मिली एडवांटेजेस के सारे आगे बढ़ी हैं। बिग बॉस ने हमेशा निमरत को बिना कुछ किए पावर दी है। अब चाहे वो कैप्टेंसी हो या फिर टिकट टू फिनाले, निमरत के लिए बिग बॉस का यह बायस्ड रवैया देखकर लग रहा था कि वो अपनी फेवरेट कंटेस्टेंट को फाइनल में जरूर लेकर जाएंगी, लेकिन यहाँ तो बिग बॉस अलग ही गेम खेल गए। जी हाँ, निमरत का हाथ थामकर शो में उन्हें आगे लाने के बाद बिग बॉस ने एक ही झटके में उनके सपने तोड़ दिए। बिग बॉस ने फिनाले से 5 दिन पहले निमरत को शो से बाहर कर दिया। निमरत को ही यह लगता था कि बिग बॉस उन्हें फिनाले तक जरूर लेकर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिग बॉस की आखिरी चाल ने शो के अंत में बड़ा ट्विस्ट ऐड कर दिया है। वेल फ्रेंड्स, निमरत के इविक्शन से कई लोग हैरान हैं। लोगों के मन में ये सवाल है कि बिग बॉस ने आखिर अपनी फेवरेट कंटेस्टेंट को शो के अंत में फेवर क्यों नहीं किया। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि बिग बॉस अपने ऊपर लगे बायसनेस के टैग को हटाना चाहते हैं, क्योंकि निमरत को जब बिना कुछ किए टिकट टू फिनाले दिया गया था तो बिग बॉस को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया था। वेल दोस्तों, बिग बॉस पर मंडली को फेवर करने और उनके प्रति बायस्ड होने के आरोप लगे थे। अगर शालिन और अर्चना में से कोई इविक्ट होता तो बिग बॉस पर फिर से मंडली के लिए बायस्ड होने के आरोप लगाए जाते। ऐसे में लोगों का विश्वास जीतने के लिए शो के अंत में बिग बॉस ने फेयर खेला और सबसे कमजोर खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। वेल फ्रेंड्स, प्रियंका और शिव में बिग बॉस का विनर कौन बनेगा, ये कहना तो फिलहाल मुश्किल है। दोनों ही शो के सबसे दमदार खिलाड़ी हैं। वहीं अर्चना शालिन भी शो की शुरुआत से किसी न किसी वजह से चर्चा में रहे हैं। स्टैन को दर्शकों का बेशुमार प्यार मिला है। टॉप 6 में सबसे कमजोर कंटेस्टेंट निमरत ही थी। शो के दौरान सलमान खान और खुद बिग बॉस ने उन्हें कई बार वेलकम कॉल किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे में बिग बॉस ने लास्ट में फेयर गेम खेलते हुए निमरत को ट्रॉफी जीतने की रेस से बाहर कर दिया। वैसे दोस्तों, आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वेल फ्रेंड्स, आपका एक लाइक और एक कमेंट आपके फेवरेट को जीत के और करीब ले जाएगा। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।